इस चुनावी मैदान में कई लोगों ने अपनी ताल ठोके हुए थे जी, जनता आपको ताजपोशी कर दी, क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरे मऊवार पंचायत को नमस्कार और प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो इस पद और पदवी पे हमको पूरे पंचायतवासी बैठाए हैं, उसको मैं शुक्रगुजार हूं। क्या 5 सालों में विकास बही है, विकास की धारा? क्या 5 सालों में विकास बही थी पंचायत? नहीं, 5 साल में तो कुछ विकास नहीं बही थी, पूरे पंचायतवासी जितने भी थे त्रस्त हो गए थे। जो भी सरकारी योजना आ रही थी उन लोग तक लाभ नहीं पहुंच रहा था उसका। तो क्या लगता है विकास बहे? अब एकदम विकास बहेगी, हर घर घर जो भी विकास आएगा, योजना आएगा, घर घर पहुंचेगा। अगर बात की जाए तो युवाओं के प्रति आपकी क्या सोच है? देखिए, युवाओं के प्रति बहुत अच्छा सोच है, पूरा हमारे जो भी पंचायत में सहयोग मिला है युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत योगदान है बड़ा, और बहुत संघर्ष करके ये लोग हमको इस मुकाम पे पहुंचाए हैं। शिक्षा में क्या बदलाव करेंगे? शिक्षा में बदलाव कराएंगे कि हर स्कूल, जहाँ जहाँ स्कूल है वहाँ विधिवत व्यवस्था हो, टाइमली टीचर आए, कंप्यूटर वम्प्यूटर का जो भी व्यवस्था हो बच्चों के लिए वहाँ उपलब्ध कराया जाए। स्वास्थ्य पे जो भी हमारे हॉस्पिटल आज तक पंचायत में जितने भी है बंद पड़ा हुआ है, वहाँ मतलब किसी तरह का व्यवस्था नहीं है, ना वहाँ कोई डॉक्टर है, ना कोई नर्स है, कोई नहीं बैठता है। तो हमारा यही योगदान रहेगा उसको किसी तरह मरम्मत करा कर सरकारी योजना जो भी हो, और वहाँ जो डॉक्टर है उसको बैठाया जाए, नर्स हो उसको बैठाया जाए, क्योंकि गाँव के जो भी है समस्या वहाँ दूर हो जाए। कि क्या मुद्दा थी जिन मुद्दाओं के साथ आप जनता के बीच गए थे वोट मांगने? देखिए, मुद्दा बहुत तरह का था वहाँ, मुद्दा हर घर में जिन लोगों को गरीब दुखिया है उनको कॉलोनी मिलना चाहिए, राशन मिलना चाहिए, पेंशन होना चाहिए, उन लोग को उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा था। जो वर्तमान मुखिया थे उनके यहाँ जो लोग कमीशन देते थे उन्हीं लोग का वो जो है उठा फंड उसी को दे देते थे। कॉलोनी मान लीजिए गरीब दुखिया पलानी वालों को मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल रहा था, लेकिन जो छत वाला है छत वालों को पलानी छत दिया जाता था क्योंकि उनसे कमीशन मिलता था। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि कमीशन का खेल इस पंचायत में अक्सर चला करता था। हाँ, शुरू से चला करता था, करते हुए आ रहे हैं लोग लेके घुसखोरी कर रहे थे। क्या आपके द्वारा भी की जाएगी? नहीं, हमारे रहते हुए ये सब नहीं चलेगा, ईमानदारी से सच्चाई से जो भी जो आएगा हर घर घर वो पहुंचेगा, वहाँ उसमें एक पैसा का भी कमीशन खोरी नहीं चलेगा। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें? हाँ, ईमानदारी और सच्चाई से काम होगा, ऐसे दूर मतलब इस तरह का कोई हमारे क्षेत्र और पंचायत में दलाल नहीं रहेंगे कि जो काम कराएं हाँ और जाके घर घर पैसा उठा ले। शिक्षा, स्वास्थ्य जी और रोजगार जी, बिहार की अहम मुद्दाएं बन चुके हैं जी जी, तो इसको लेकर के क्या आपकी सोच है? देखिए, अपने पंचायत स्तर सही बात कह रहे हैं, अभी भी कोरोना काल आया था, इसमें बहुत युवा हो चाहे हर तरह के लोग हो बाहरी जो रहते थे बेरोजगार हो चुके हैं, लेकिन जो भी पंचायत में हमारी योजना आ रही है उस तरह के युवा जो भी है उन लायक हो रहेगा, उनको दिया जाएगा, उस काम कराया जाएगा जो कि उनसे उनका रोजगार उससे चल सके। देखिए, जनता को पूरा भरोसा है आप पे कि आप विकास की धारा बहाएंगे? जरूर, 100% विश्वास है, एकदम खड़े उतरेंगे, उसी विश्वास पे जनता हमको जिताई है, वो पद पद भी दी है हमको। तो प्रतिनिधित्व जी जी सड़क की अहम मुद्दाएं बन चुकी है पंचायत स्तर पर, अगर बात करें जी तो सड़क और नल जल की, तो इसमें जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे क्या इससे आपका पंचायत अछूता रहे? नहीं, अछूता तो नहीं रहेगा, हमारे कार्यकाल में जो भी रहेगा उसको अभी तक जो अधूरा है उसको हम पूरा करेंगे। अच्छा मुखिया जी, आप जीत के प्रत्याशी बन गए जी, जास्ती कागज पे काम करेंगे कि धरातल पे करेंगे? नहीं, धरातल पे करेंगे, वर्तमान जो थे वो कागज पे किए हैं, लेकिन हम जो है जमीनी स्तर पे काम करेंगे, करके दिखाएंगे। एक सवाल आपसे और, मुखिया का वेतन 2500 रुपये होता है जी जी, 2500 जी, लेकिन अक्सर मुखिया लोग जो जीतते हैं जीतने के 1 या 2 महीने बाद जी जी फॉर्चूनर और इनोवा जैसे गाड़ियाँ खरीदते हैं, श्रीमान क्या माजरा रहता है उसका?
देखिए, हम पैसा कमाने के लिए नहीं चुनाव लड़े हैं, हम समाज के सेवा करने के लिए लड़े हैं। हम इस तरह का निस्वार्थ सेवा करते हैं। आज कोई ये नहीं है कि हम नया चुनाव लड़े हैं तो हमारे पास हर चुनाव हो चाहे स्कॉर्पियो हो, अभी भी दो दो स्कॉर्पियो हमारे पास पर्याप्त है। ये नहीं है कि मान लीजिए हम जीते हुए हैं तो हम स्कॉर्पियो पे चढ़ेंगे, इस तरह का कोई मतलब नहीं। कैसा खेल होता होगा जैसे लोग कर लेते हैं? अब खेल तो मान लीजिए जो वर्तमान है वो अपना आपसे बता ही चुके हैं कि कॉलोनी आता है उस पर 20,000-25,000 लोग लेते हैं, हर तरह का योजना आता है कि जो उसमें घुसखोरी होता है और लोग खा जाते हैं। कमीशन के खेल से स्कॉर्पियो रिन्यू वाली है। हाँ हाँ, सब सब काम कुछ नहीं हुआ है पंचायत में, लेकिन कमीशन अभी भी चलिए बहुत ही योजना आया था कि जैसे इनार का आया था पैसा 2,25,000। हाँ, सुंदरीकरण के लिए आया था, लेकिन हो गया है पेपर पे सब, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ है वो पैसा का भी। हाँ, धरातल पे सब अछूता है, पैसा का भी पता नहीं चला कहाँ गया कहाँ है। बिहार सरकार की योजना चल रही है डिजिटल पंचायत। जी जी, तो क्या आपका पंचायत डिजिटल बनेगा? जरूर डिजिटल बनेगा। क्या सोच है? पूरा हमारा सोच यही है कि मान लीजिए हर घर घर जितने भी लाइट है, पहले भी नहीं थे तो हम पूरे पंचायत को अंजुरा में लाए थे। मतलब अंधेरा में था पंचायत? पहले अंधेरा में था, लेकिन मुखिया नहीं थे, उसके पहले हम पूरे पंचायत को लाइट अंजुर में मतलब लगा के हर बॉल जितने भी था पोल पे। हम चुनाव से पहले हम करते, अरे हमको साल भर पहले लेने के लिए नहीं मान लीजिए लेने के लिए नहीं, मान लीजिए उसके बाद जो मुखिया वर्तमान मुखिया थे उस पर रोक भी लगा दिए, क्योंकि हम अपना रोक इसलिए लगा दिए कि वो समझे जनता इसको वोट दे देगी, लेकिन हम कोई स्वार्थ पीछे नहीं किया। तो जनता ने आपको वोट दे दी? मान लीजिए 2 साल पहले कोरोना काल आया था शुरुआत, उस समय भी हम घर घर राशन पहुँचाए थे। ये नहीं है कि मान लीजिए अगर 4 भाई है, 4 जगह चूल्हा जल रहा है तो 1 भाई को दिए हैं, हर जगह पैकेट पहुंचाए थे। कहाँ से राशन पहुंचाए थे? अपने फंड से पहुंचाए थे, निजी फंड से दिए थे। ये नहीं है कि मान लीजिए कोई सरकारी फंड से। कहीं ना कहीं कहा जाए तो आपके मन में सेवा भाव है? पूरा सेवा भाव है, हमारा यही है मतलब सोच है कि जो भी गरीब दुखिया है जो सरकार की तरफ से योजना आ रहा है उन लोगों तक लाभ पहुँचाया जाए, यही हमारी सोच है। समाज सेवी के काम करते हैं? समाज सेवी के जरूर। आपका परिचय? मेरा नाम गुड्डू सिंह है, महुआर पंचायत वर्तमान मुखिया। प्रतिनिधि है? प्रतिनिधि है, ऐसे मुखिया तो संतोषी कुमारी है। आपकी वाइफ है? वाइफ है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।